देश में आम चुनाव चल रहे हैं और आप भी कई रैली सभाओं में शामिल हो रहे हैं प्रचार के लिए, तो किस तरीके का माहौल बन रहा है? पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में इस चुनाव के दौरान मुझे जाने का अवसर मिला है और मैंने मतदाताओं का मन पढ़ा है, समझा है, और जिस प्रकार का उत्साह श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने को लेकर मैंने देखा, वो अपने आप में अद्भुत था। हर एक मतदाता के मन में यही बात थी कि तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। तो एक बार फिर से इस देश की बागडोर, इस देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपने जा रही है, हमें पूरा विश्वास है। विधानसभा के मुकाबले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, क्या कारण मानते हैं? क्या महिलाओं ने सरकार के खिलाफ में वोट दिया है, पक्ष में वोट दिया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष बहुत कमजोर था और इस दृष्टि से विपक्ष कमजोर होने की के कारण विपक्ष का जो वोटर था वो वोट डालने नहीं निकला। जितनी भी महिला हमारी आधी आबादी का वोट पड़ा है वो सब भारतीय जनता पार्टी की समर्थक महिलाएं थी। अगर जिन महिलाओं का वोट नहीं पड़ा वो हमारी महिलाएं नहीं थी, और इसलिए मैं मान सकती हूं कि जो वोट का प्रतिशत घटा है वो विपक्ष के कमजोर होने से घटा है और उनका ही वोटर वोट डालने नहीं गया। जितना वोट डाला है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है और आप 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो वो स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई देगा।